हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद कुमार साक, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ये पहला लेक्चर है, तो इसके अंदर हमारे दो वर्ड हैं, एक है रेफ्रिजरेशन और दूसरा है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एक है रेफ्रिजरेशन और दूसरा है एयर कंडीशनिंग। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट हमारा इन दोनों वर्ड के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा। इसके अंदर हमें रेफ्रिजरेशन पढ़ना पड़ेगा। रेफ्रिजरेशन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, अलग अलग टाइप से हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर एयर कंडीशनिंग है, अलग अलग टाइप की एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समर एयर कंडीशनिंग हो गया, विंटर एयर कंडीशनिंग, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। तो ये इसके अंदर ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड के ऊपर ही हमारा पूरा सब्जेक्ट फोकस रहेगा। अब इसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? रेफ्रिजरेशन मींस किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना और उस लो टेम्परेचर को मेंटेन करना विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर हमें सराउंडिंग के कंपेरिजन में लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है और लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, तो हमें उसके अंदर कुछ एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये हमारा एक कन्फाइंड स्पेस है। अगर मैं इस रूम को एक कन्फाइंड स्पेस ले लेता हूँ और मुझे इस रूम के अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो यहाँ जो इस रूम की जो हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और उस हीट को एब्जॉर्ब करके मुझे सराउंडिंग में रिजेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये मेरा रूम है, ठीक है, और इस रूम की जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हो गई, तो इन ये जो वॉल हैं, वॉल क्या हो जाएंगी? बाउंड्री का काम करेंगी। और इस बाउंड्री के बाहर जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ये हमारा कन्फाइंड स्पेस हो गया। इस स्पेस के अंदर हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, प्रोड्यूस करना है, और इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और इस हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लो टेम्परेचर है हमारा, यहाँ पे लो टेम्परेचर है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो यहाँ लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करके हम हाई टेम्परेचर में रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ एनर्जी इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ है, हीट का यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कुछ एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। तो ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो एयर की क्वालिटी है, उसकी एयर की क्वालिटी को अल्टर करके एक फेवरेबल कंडीशन या कंफर्टेबल कंडीशन में उसको चेंज करना। तो यहाँ ये किसके अंदर करते हैं? हम एयर कंडीशनिंग के अंदर करते हैं ऐसा। तो ये दोनों वर्ड हैं हमारे इसके अंदर, इन्हीं के ऊपर पूरा सब्जेक्ट फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? रेफ्रिजरेशन मींस प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग लो टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ कन्फाइंड वॉल्यूम बाई गिविंग सम एनर्जी इनपुट। तो हमें कुछ एनर्जी इनपुट देना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। एनर्जी इनपुट देके हम उसके अंदर किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर लो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम अगर रेफ्रिजरेटर लेके चलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर तो सभी ने देखा हुआ है, इस तरीके से इसके अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ पर ये कंडेंसर होता है, इसके अंदर ये कॉइल्स लगी रहती हैं। इन कॉइल्स के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो मूव करता रहता है। अगर हमने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, तो इस
कॉइल्स के अंदर जो रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है वो रेफ्रिजरेंट इसकी हीट को, मटेरियल की हीट को रिसीव करेगा, उस हीट को रिसीव करके वो इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में उसको रिजेक्ट करता है थ्रू द कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसर के थ्रू उसको सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट हमारा क्या काम कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल रखा हुआ था उस मटेरियल की हीट को रिसीव कौन कर रहा है, हमारा रेफ्रिजरेंट, और उस रेफ्रिजरेंट हीट को रिसीव करके सराउंडिंग में रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से रेफ्रिजरेंट हमारा क्या काम करता है, किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस जो लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हमारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं, NH3 एक रेफ्रिजरेंट है, CO2 हो गया, R11, R12, तो ये इस तरीके से हमारे रेफ्रिजरेंट के नाम हैं, इनको अपन और आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया हमारे रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेशन। अब इसके बाद इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम रेफ्रिजरेशन की, कि रेफ्रिजरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से इस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था और कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, तो ये देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इन 1748 विलियम कुलन प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन बाय क्रिएटिंग पार्शियल वैक्यूम। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, विलियम कुलन ने 1748 में एक पार्शियल वैक्यूम के द्वारा रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस किया जाता, रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस किया था, रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस किया था मतलब इसका क्या है कि यहाँ उन्होंने लो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा, पार्शियल प्रेशर के द्वारा, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वैक्यूम के द्वारा, पार्शियल वैक्यूम किसके ऊपर किया था, इथाइल ईथर। सेकेंड पॉइंट है, इन 1834 परकिंस प्रोड्यूस ए हैंड ऑपरेटेड मशीन, एक हैंड ऑपरेटेड मशीन जिसको कंप्रेसर कहा गया था, हैंड ऑपरेटेड मशीन बनाई थी उन्होंने, हैंड ऑपरेटेड मशीन बनाई थी इन 1834। इसके बाद 1834 में ही क्या हुआ था, 1834 में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, 1834 में ही हमारा क्या हुआ था, पेल्टियर इफेक्ट इन्वेंट हुआ था, पेल्टियर इफेक्ट, और पेल्टियर इफेक्ट को हम थर्मोकपल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको थर्मोकपल भी कहा जाता है। इसके बाद 1834 में ही फर्स्ट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन बनाया गया था, ये इसी में फर्स्ट VCR सिस्टम बनाया गया था, पहला VCR सिस्टम बनाया गया था 1834 में ही। इसके बाद 18 सेंचुरी में जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था, इसीलिए जो रेफ्रिजरेशन के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो बहुत स्लो हो रहा था, क्योंकि स्टीम इंजन उस समय का सबसे फर्स्ट प्राइम मूवर था। उस समय अगर हमें कंप्रेसर को मूव करना है, कंप्रेसर को चलाना है, तो वो हम स्टीम इंजन के द्वारा ही उसको रन करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो स्टीम इंजन के ऊपर फोकस किया जा रहा था, रेफ्रिजरेशन के फील्ड में बहुत कम फोकस किया जा रहा था, इसलिए रेफ्रिजरेशन के फील्ड में बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा था। इसके बाद 1856 में लिंडे ने एक वर्किंग मशीन बनाई, एक वर्किंग मशीन जो NH3 पर वर्क करती थी, NH3 मतलब अमोनिया के ऊपर काम करती थी, एक ऐसी मशीन बनाई जो अमोनिया के ऊपर काम करती थी। इसके बाद 1920 में डूपॉन्ट ने एक वर्किंग सब्सटेंस बनाया जिसे पॉपुलरली CFC कहा गया, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो रेफ्रिजरेंट है इसका यूज अभी प्रेजेंट में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन एटम्स होते हैं, क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं, क्लोरीन के कारण जो ओजोन लेयर है वो उसका डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने के कारण ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत कम यूज किया जाता है। अभी जो रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं वो R134A इसका यूज किया जाता है जनरली ज़्यादातर। अभी और भी जो रेफ्रिजरेंट है वो भी डेवलप हो रहे हैं जो ओजोन लेयर
के डिप्लीशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1813 में जो होम या फिर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, होम यूज के लिए जो रेफ्रिजरेटर था उसका इन्वेंशन हुआ था 1913 में। तो ये हमारे रेफ्रिजरेशन के फील्ड में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर लो ग्रेड एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं किया जा सकता अगर वो मशीन हमारी साइकिल के अंदर वर्क कर रही है। तो लो ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या होता है? लो ग्रेड एनर्जी होती है हमारी जो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। लो ग्रेड मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कौन सी हमारी? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इसी को हम हीट बोल सकते हैं, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। ये हमारी जो हीट एनर्जी है वो डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहती है। लेकिन अगर हम हाई ग्रेड एनर्जी की बात करते हैं तो हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है हमारी? जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, जो कैसी हो? ऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे हमारा हो गया बर्क। बर्क क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, या फिर हम केमिकल एनर्जी कहें, केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। ये सारी एनर्जी हमारी क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, इनको हाई ग्रेड एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल। अगर साइकिल के अंदर कोई प्रोसेस हो रही है तो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमारे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। सबसे पहला है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल दैट प्रोड्यूसेस नेट अमाउंट ऑफ वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। अगर हम एक सिंगल रिजर्वायर से हीट को एक्सचेंज करते हैं, सपोज ये हमारा एक सिंगल रिजर्वायर है, यहाँ से हमने हीट को लिया, ये हमारा इंजन हो गया, इससे वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारा सिंगल रिजर्वायर है, ये इसको सोर्स बोलते हैं, ये हो गया हमारा सोर्स। यहाँ से हीट को रिसीव किया, हीट को रिसीव करके इसको एक डिवाइस के द्वारा उसको वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जहाँ से हमने जो हीट रिसीव की है उस हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा क्या कहता है? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू के बराबर हो रहा है। अब ऐसा कैसे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सोर्स से हीट को रिसीव कर रहे हैं और उस हीट को एक डिवाइस से पास कराते हुए उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो टोटल हीट हमारी रिसीव हो रही है उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारा कहता है कि ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो सिंगल रिजर्वायर से हीट को रिसीव करती है और एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रही हो, तो उसमें से जो हीट रिसीव हो रही है उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें इस तरीके से जोड़ देते हैं, इसको सिंक कहते हैं, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये क्या होगी, एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यहाँ से हीट को रिसीव किया, सम अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड सम इज रिजेक्टेड टू सिंक। ये कुछ हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है सिंक में, तो यहाँ इस तरीके से ये पॉसिबल है। अगर ये इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है,
तो ये जो मशीन होती है ये क्या कहलाती है हमारी, PMM सेकेंड, ठीक है। जो परपिचुअल मोशन मशीन होती हैं ये हमारी हाइपोथेटिकल मशीन होती हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक सिंगल रिजर्वायर से हीट को रिसीव करके उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी डिवाइस से अगर हम एनर्जी को पास कराते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लॉसेज होंगे, वो लॉसेज हमारे यहाँ से हीट के रूप में रिजेक्ट होती है, तो हीट रिजेक्ट होती है सिंक के अंदर। यहाँ पे क्या हो गया, ये PMM सेकेंड टाइप का है, परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप, क्योंकि अगर यहाँ से हम हीट को रिसीव करते हैं और इसको वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो ये कम्प्लीट कन्वर्जन नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से देखते हैं, जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, ठीक है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। तो वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्क डन हमारा W है, अपॉन में हीट सप्लाइड किसके बराबर है, Q के बराबर है, हीट सप्लाइड Q हो गई। अब इसके अंदर अगर Q और W दोनों बराबर हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन में Q, यहाँ से हीट को अब अगर रिसीव करके हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी लॉसेज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे Q किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकलेगी, एफिशिएंसी क्या निकलेगी यहाँ पे, 100%, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं होता जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, क्योंकि ये इसके अंदर अगर वर्क हीट को वर्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो हीट है, हीट से कुछ अमाउंट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि हाँ इंजन के अंदर मूविंग पार्ट है, इंजन के अंदर कुछ लॉसेज ज़रूर होंगे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नो इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती के अंदर। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, एक है सोर्स और दूसरा है सिंक। तो ये क्या होते हैं, हमारे दो थर्मल रिजर्वायर होते हैं, ऐसे थर्मल रिजर्वायर जिनमें से हम, अगर हम यहाँ सोर्स की बात करते हैं तो एक ऐसा थर्मल रिजर्वायर जहाँ से हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करने से इसके टेम्परेचर पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसी सिंक होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर हम इसके अंदर हीट को रिजेक्ट करा रहे हैं तो इसके टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सोर्स होता है और ये सिंक होता है। तो यहाँ अगर इस तरीके की जो मशीन है वो हमारी क्या कहलाएगी, PMM सेकेंड टाइप की, तो यहाँ पर ये परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप। तो ये हमारा होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में अगर ये इस तरीके से अपन ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, हीट इंजन। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का जो आउटकम है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का जो आउटकम है वो हमारा क्या होता है, हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा कहता है कि हम किसी हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर बिना एनर्जी इनपुट के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अगर वो साइकिल में प्रोसेस हो रही है तो, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है, ये सोर्स हो गया और ये सिंक हो गया, यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा ये डिवाइस हो गई, इसको रेफ्रिजरेटर या हीट पंप कहा जाता है, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो आउटकम है, क्लॉसियस स्टेटमेंट का आउटकम हमारा हीट पंप या रेफ्रिजरेटर होता है, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का जो आउटकम है वो हमारा वो हीट इंजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लो टेम्परेचर से हम हीट को रिसीव कर रहे हैं, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया, इस हीट को इस डिवाइस से पास कराते हुए कहाँ भेज रहे हैं हम, हाई टेम्परेचर में, तो ये यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से हम हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ के विपरीत है। तो यूनिवर्सल लॉ हमारा क्या कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं तो ये इस प्रकार की डिवाइस क्या है बनाना इम्पॉसिबल होगा, इस प्रकार की डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल होगा। अगर हम इसके अंदर वर्क इनपुट दे देते हैं, ये वर्क इनपुट हो गया, तो ये जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो आउटकम है वो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप होता है। तो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मैक लर्निंग पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।